हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपको ये बॉर्डर का बहुत प्यारा सा डिज़ाइन बताने वाले हैं। ये देखने में जितना प्यारा है, बनाने में भी आसान है, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। आज हम आपको क्रेशे का बहुत प्यारा सा बॉर्डर बताने वाले हैं। देखिए ये मैंने बुन रखा है। आप स्टार्ट करेंगे तो कॉर्नर से, देखिए सिंगल क्रेशे बुनने के बाद आपने देखिए एक दो तीन तीन चैन बुनेंगी और इस तरह से सिंगल क्रोशिया बुनेंगी। एक दो तीन, फिर आपने सिंगल क्रोशिया से बुनना है। फिर देखिए एक दो तीन और यहाँ सिंगल क्रोशिया से बुनेंगे। इस तरह से फ्रेंड्स हम इस रो को कंप्लीट करेंगे। मैंने आपको बता दिया है इस तरह से ये रो बनेगी। इस तरह से ये रो कंप्लीट हो गई है। अब हम सीधी तरफ ही इस तरह से यहाँ कॉर्नर से दोबारा से इसमें मून जॉइंट करेंगे इस तरह। फिर देखिए एक दो तीन, तीन चैन बुनेंगे, एक बल लेंगे और देखिए जो है इस जाली के अंदर थ्री टाइम बुनेंगे। एक दो तीन, सॉरी फोर टाइम बुनेंगे फ्रेंड्स। इस तरह से फोर टाइम बुनेंगे। फोर टाइम बुनने के बाद देखिए फिर एक दो तीन, तीन चैन बुनेंगे, फिर एक बल लेंगे। देखिए इसको एक को स्किप कर देंगे जाली, सेकंड में हमने फिर फोर टाइम बुनना है। एक दो तीन चार, फिर देखिए एक दो तीन और फिर फ्रेंड्स हमने एक स्किप करके इसमें फोर टाइम बुनना है। तो इस तरह से हम इस सेकंड रो को कंप्लीट करेंगे। फ्रेंड्स इस तरह से देखिए मैंने सेकंड रो भी कंप्लीट कर ली है। देखिए ये मैंने फोर टाइम बुना डबल क्रोशिया से, फिर मैंने तीन चैन बुनी, फिर ये फोर टाइम, फिर ये तीन चैन। इस तरह से मैंने इस रो को कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए बिल्कुल लास्ट पर आ गए हैं। अब इसे पलट देंगे और फिर देखिए एक दो तीन, तीन चैन बुनेंगे और ये देखिए जो जाली है इसके अंदर हमने डबल क्रोशिया से चार बार बुनना है। देखिए दो हो गए, तीन, ये चार। देखिए हमने फोर टाइम बुना। फिर इसके बाद फ्रेंड्स देखिए एक दो तीन, तीन चैन बुनेंगे, फिर डबल क्रोशिया से इसी के अंदर हमने फोर टाइम बुनना है। एक दो तीन और ये चार। तो देखिए इस तरह से इसका लुक आएगा। फिर आपने देखिए एक बल लेना है और इस जाली के अंदर यानी जितनी भी जालियां हैं आपने उसमें इस तरह से बुनना है। देखिए फोर टाइम बुनना है, दो हो गए, ये तीन चार, फिर देखिए एक दो तीन, तीन चैन, फिर इसमें हमने फोर टाइम बुनना है। एक दो तीन चार, देखिए इस तरह से। तो इस तरह से मैं थर्ड रो को कंप्लीट करके फोर रो में बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से देखिए मैंने थर्ड रो कंप्लीट की है। देखिए मैंने फोर टाइम बुना, फिर मैंने तीन चैन बुनी, फिर फोर टाइम, फिर ये फोर टाइम, फिर ये चैन, फिर इस तरह से हर जाली में मैंने इस तरह से बुन लिया है। देखिए अब हमारी थर्ड रो भी कंप्लीट हो गई है और अब हम इसके किनारे पर आ गए हैं। अब देखिए यहाँ पर इसको इस तरह से डबल क्रोशिया से इस तरह करके अब हम इसे पलट देंगे। फिर देखिए पलटने के बाद फ्रेंड्स एक दो तीन, तीन चैन बुनेंगे। इसके बाद देखिए ये जो आपने बुने हैं ना फोर टाइम, तो आपने इसी के ऊपर डबल क्रोशिया से बुनना है। ये देखिए एक दो तीन
चार, देखिए ये चार हो गए। चार के बाद फ्रेंड्स देखिए जो आपने तीन चैन बुनी थी, ये जो जाली है इसके अंदर भी आपने फोर टाइम ही बुनना है। दो तीन चार, और चार के बाद देखिए ये जो फोर टाइम है इसके ऊपर भी आपने फोर टाइम ही बुनना है। एक दो तीन और ये चार, तो देखिए इस तरह से एक बन गया। फिर आपने फ्रेंड्स यहाँ भी चार बार ही बुनना है। इस तरह से हम इस फोर रो को कंप्लीट करेंगे। देखिए यहाँ भी चार बार बुन लीजिए पहले, देखिए चार बार हो गए। फिर ये जो तीन जाली, तीन की जो हमने चैन बनाई थी इसके अंदर भी चार बार बुनेंगे। यानी आपने ये फोर रो जो है पूरी डबल क्रोशिया से इसी तरह से कंप्लीट करनी है फ्रेंड्स। तो मैं ये कंप्लीट कर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट रो में हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से देखिए मैंने इस रो को भी कंप्लीट कर लिया है। मैंने देखिए फोर टाइम के नीचे बुना है और बीच में जो जाली थी उसमें फोर टाइम बुना है। इस तरह से मेरी मैंने इस रो को कम्प्लीट कर लिया है। अब देखिए हम बिल्कुल लास्ट पर आ गए हैं, अब हम यहीं पे इसे फिनिश करेंगे। देखिए फ्रेंड्स अब हम इसमें देखिए किनारे पे बिल्कुल सीधी तरफ से एक अपना दूसरे कलर का आपको जो पसंद हो वो आप इसमें वो ज्वाइंट कर लीजिए इस तरह। देखिए करने के बाद आप देखिए इसे पीछे रखिए। अब आपने देखिए एक दो तीन, तीन चैन बुनेंगे और हर उसके बाद देखिए यहाँ इसके बीच में आपने सिंगल क्रोशिया से बुनना है। फिर देखिए एक दो तीन और देखिए हर डबल क्रोशिया के बीच में यहाँ आपने इस तरह से बुनना है। फिर एक दो तीन इस तरह से बुनेंगे हम, एक दो तीन इस तरह से, फिर एक दो तीन। इस तरह से बुनते हुए फ्रेंड्स हम देखिए यहाँ तक आएंगे, तो फिर मैं बुनकर आपको बताती हूँ कि हमने कितना बुना है। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से देखिए मैंने तीन चैन और बीच में सिंगल क्रोशिया से बुन के देखिए इतना तैयार कर लिया। आप देखिए अब आपने देखिए देखिए यहाँ से ये एक जाली कवर हो गई, दो जाली और ये तीसरी जाली तक आ गए हम। इस तरह से देखिए एक दो तीन, आपने यहाँ फोर तक बुनना है और जो बीच में फोर थे यहाँ तक आपने कंप्लीट करना है। फिर देखिए आपने ये जो आपकी जो जाली है ना फ्रेंड्स, देखिए ये यहाँ यहाँ से आपने अब इस तरह से क्रोशिया लेना है और देखिए यहाँ से आपने इसको इस तरह से ऐसे जोड़ना है सिंगल क्रोशिया से इस तरह से। फिर ये आपका देखिए इस तरह से बनकर आएगा। फिर इसके बाद आपने देखिए फिर से आपने इसके अंदर एक बार इस तरह बुनना है। फिर देखिए एक दो तीन, तीन के बाद देखिए आपने फिर इसके अंदर इस तरह से सिंगल क्रोशिया से बुनना है। फिर एक दो तीन, तीन के बाद देखिए फिर से हम सिंगल क्रोशिया से ही बुनेंगे इस तरह से। एक दो तीन, फिर एक दो तीन। फ्रेंड्स देखिए मैं आपको यहाँ तक बुनकर दिखाती हूँ, फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड्स जैसे मैंने ये बनाया था और देखिए तीन चैन और सिंगल क्रोशिया से बुन के मैंने देखिए तीन जालियाँ इसमें भी कंप्लीट कर ली। देखिए यहाँ से एक दो तीन इस जाली के बराबर में जो था यहाँ तक मैंने देखिए सिंगल क्रोशिया से ही बुना है। तीन चैन फिर सिंगल क्रोशिया से, फिर तीन चैन फिर सिंगल से इस तरह से। अब देखिए फ्रेंड्स ये एक हमारा कंगूरा बन गया था। अब आपने देखिए ये जो बीच में चार हैं, एक दो तीन चार, इन चारों को छोड़ के यहाँ से आपने क्रोशिया लेना है और
और आपने देखिए ये इसको इस तरह से इसको इस तरह से जॉइंट करना है। फिर आपने देखिए इसके अंदर दोबारा से सिंगल क्रोशे से बुनेंगे। फिर देखिए एक दो तीन, फिर हम इस तरह से बुनेंगे, फिर एक दो तीन, फिर इस तरह से बुनेंगे, एक दो तीन, फिर एक दो तीन, इस तरह से। देखिए फ्रेंड्स इसका लुक इस तरह से बनकर आएगा, ये देखिए इस तरह से। तो इसी तरह से फ्रेंड्स इस रो को कंप्लीट करना है। इस तरह से देखिए मैंने इस डिजाइन को देखिए कंप्लीट कर लिया है। देखिए कितना प्यारा लग रहा है फ्रेंड्स, सिर्फ 5 रो का डिजाइन है ये। देखने में तो बहुत हार्ड है लेकिन बनाना कितना आसान है फ्रेंड्स। अगर आपको ये हमारा क्रोशे वर्क अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।